बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एमएसओ पाकिस्तान अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ फाजलपुर में मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ लोग बेयारो मददगार हैं। बारिश के पानी की वजह से, सलाब की वजह से तमाम परेशान हाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन भाइयों के साथ इस दुख में, इस दर्द में इनके शाना बशाना खड़े हों। जैसे कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल-बुनियान। हम एक इमारत की मानिंद है, हम लोग एक जिस्म की मानिंद है। अगर मैं और आप अपने इन भाइयों का आज दुख और दर्द महसूस नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम इन लोगों के साथ खड़े हो, इन लोगों के दुख का मदावा करें और जहाँ तक मुमकिन हो अल्लाह की रजा के लिए कोशिश की जाए। एमएसओ पाकिस्तान एक मरतबा पहले तौंसा में 20 लाख के करीब जो है वो राशन तकसीम कर चुकी है। आज फाजलपुर में इंशाल्लाह खैमा बस्ती जो है 100 खैमे लगाए जाएंगे और जिनमें 100 घरों को 1 महीने का राशन जो है वो डिलीवर किया जाएगा इंशाल्लाह। कल जो है डेरा इस्माइल खान में एमएसओ जो है वो 100 कैंप लगाएगी। वहाँ पर भी इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम दोस्तों के जान माल में बरकत अता फरमाए जो हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं। जिस अंदाज में जिसने जो कोशिश की है, सबकी कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त जो एक आफत आई हुई है, मिन हैसुल कौम, हम सब अल्लाह के हाथों तौबा इस्तगफार।